टाइप्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स, डेट मीन कि जो मॉडल्स हैं हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स जो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं कौन कौन से होते हैं, इसको अगर डिवाइड किया मेनली दो, एक है कंपार्टमेंट मॉडलिंग और दूसरा है नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग, मॉडलिंग कह लीजिए या तो फिर मॉडल्स कह लीजिए। इसमें फिर दो है, मैकेनिस्टिक एंड फिजियोलॉजिकल मॉडल। इसमें देखें तो मेमिलरी मॉडल एंड केटनरी मॉडल, और दूसरा आता है इसमें अगर फिजियोलॉजिकल देखते हैं तो इसमें तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला है कि जो होल बॉडी है, सेकेंड है हमारा पार्शियल बॉडी, और हमारे थर्ड वन है मेटाबॉलिज्म। ये है हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स के मॉडल्स, इस पे ही डिपेंड है हमारे पूरे बॉडी का टिश्यू, इससे ही हम निकालते हैं कि जो हमारे ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या है, इन पे बेस्ड ही, इससे ही हमारे जो बॉडी है उस बेस्ड पे ही कंपार्टमेंट मॉडलिंग हम निकालते हैं। यहीं से हमारा स्टार्ट होता है, वन कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट थे इससे ही हमारा स्टार्ट करते हैं, इसी के हिसाब से हम ड्रग एंड ड्रग का मेटाबॉलिज्म एक्शन क्या होगा इससे ही हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू।